भाई साहब, जब पार्लियामेंट में से जवाब मांगा जाता है तो इनके प्रवक्ता पूरे बैठ के उई उई पुई पुई टू टू करते हैं और कथक डांस करने लगते हैं। इनके प्रवक्ताओं और इनके नेताओं से भगवान राम बचाए। इच 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 करके आने वाले समय में कपड़े लत्ते फाड़ते हुए रोड पे उई मुई करते हुए घूमते दिखाई देंगे। मैं कहाँ बरगला रहा हूँ? माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा किया, काहे थूक के चाटने पर मजबूर हो गए हैं? काहे थूक के चाट रहे हैं ये लोग? देख रहे हैं कि विरोध होना चालू हो गया, बेरोजगार नौजवान के हालत में हाथ डाल देगा। कौन सा डर भाग करें? यमराज हैं, ब्रह्मा हैं, क्या है ये? आज हैं कल नहीं रहेंगे, आज मुख्यमंत्री हैं कल नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश में तो काफी बड़े बड़े काम किए हैं। कहीं कुछ नहीं काम किया, सिर्फ इनकाउंटर करवाया है, बलात्कारियों को बचाया है, पुलिस वालों के साथ मिल करके ठगी और बेईमानी किया है, और इसके अलावा कोई काम। बड़े ताजुब की बात है कि राजनाथ सिंह ने नेहरू जी की तारीफ करते हुए समा सा बांध दिया है, और कई सारे ऐसे संस्था है जिनके बारे में उन्होंने बताते हुए कहा है, जिक्र किया है और काफी सराहना भी किया है। तो क्या लग रहा है आपको कि कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबुआ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आपके मुंह पे तो इतना करारा तमाचा लग रहा है कि आपका समय बड़ा खराब चल रहा है, आपके दिन खराब चल रहे हैं, आपके पतन का रास्ता शुरू हो गया। आप ही के कैबिनेट के मंत्री माननीय राजनाथ सिंह, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरे पार्लियामेंट में तारीफ कर रहे हैं, कभी गडकरी साहब तारीफ करते हैं, कभी उमा भारती जी तारीफ करती हैं, और आपके कृषि मंत्री, आपके घटक दल अकाली दल की महिला मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब ये है कि आप सुधर जाइए और देश के साथ अन्याय करना छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके समय ठीक नहीं चल रहे हैं। और आप इच 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 करके आने वाले समय में कपड़े लत्ते फाड़ते हुए रोड पे उई मुई करते हुए घूमते दिखाई देंगे। क्या लग रहा है आपको कि अब तो दिग्विजय सिंह ने भी कह दिया है कि राजनाथ सिंह से प्रधानमंत्री को सीख लेनी चाहिए? यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। कहते हैं खूंटा वही गड़ेगा जहाँ मैं चाहूँगा। अरे खूंटा क्या गड़ेगा? इस देश का युवा जग गया है, इस देश का बेरोजगार नौजवान जग गया है, इस देश का छात्र जग गया है। मोदी जी, इसका एहसास माननीय गडकरी जी को, नितिन गडकरी साहब को हो गया है, इसका एहसास माननीय राजनाथ सिंह जी को हो गया है, इसका एहसास आपके एनडीए गठबंधन के घटक दल, सबसे पुराने घटक दल अकाली दल बादल को हो गया है। इसका मतलब आपका झोला तमूरा जमूरा सब पैक कर लीजिए। मुझे तो ये लग रहा है कि अब आरएसएस के भी पतन के दिन शुरू हो गए हैं। आप गुजरात, ये पृथ्वी छोटी पड़ जाएगी। पूरी पार्लियामेंट मानने को तैयार है, पूरा देश मानने को तैयार है, भारत का मानने को कतई तैयार नहीं है। चाइना के आगे घुटने टेक चुके हैं, चाइना से 9,000 करोड़ रुपया वहाँ के बैंकों से इन्होंने लोन लिया था। भैया हिंदुस्तान में क्या काम किए 9,000 करोड़ का, तो बता दीजिए। देशवासी आपसे जानना चाहते हैं, श्रमिकों और जो अप्रवासी मजदूर पलायन कर रहे थे, जा रहे थे, आप ये बताइए, उनके मौत का आंकड़ा नहीं है आपके पास? लेकिन दिल्ली दंगे का हजारों पेज का आंकड़ा है आपको, आपके पास। सुप्रीम कोर्ट धिक्कार रहा है कि आप मुसलमानों पे टारगेट करना बंद करें, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। राहुल जी ने कहा कि इस देश की जीडीपी जाएगी, चली गई। इस देश की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न होगी, चली गई। ये देश महामारी में भयंकर रूप से जूझेगा, वो भी हो शुरू हो गया है। और इस देश की शिक्षा नीति को ये बर्बाद कर देंगे। उसके बाद
माननीय राहुल जी ने कहा था कि ये व्यक्ति हिंदुस्तान के बेरोजगार नौजवानों के हाथ में कटोरे पकड़ा देगा भीख मांगने के लिए। ये भी दिखा जा रहा है कि टाटा के हाथ में एक टेंडर दिया गया है जो नई संसद बनाने के लिए दिया गया है 862 करोड़ रुपए का, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही। भाई साहब, जब पार्लियामेंट में से जवाब मांगा जाता है तो इनके प्रवक्ता पूरे बैठ के उई उई पुई पुई टू टू करते हैं और कथक डांस करने लगते हैं। इनके प्रवक्ताओं और इनके नेताओं से भगवान राम बचाए, ये सब जुमला है। बताइए किसने, कितने किसानों का इन्होंने कर्जा माफ़ किया, कितने किसानों का भला किया, कितने बेरोजगारों को नौकरी दिया, कितने श्रमिकों को रोजगार दिया, देश का तो पूरा पतन कर डाले हैं। ये सब दिखावटी है, ये भी एक जुमला है। चाइना के मैटर पे आपने देख लिया, उई 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 पुई पुई कर रहे थे, आज झूठ बोलते हैं। कम से कम शर्म आनी चाहिए, नैतिक पतन, चारित्रिक पतन इनका हो चुका है, इनके पास कुछ है नहीं। मानी राजनाथ सिंह, वो तो उनको ईश्वर ने सद्बुद्धि दिया, कहा कि नहीं चाइना ने कब्जा किया, यही राहुल जी कर रहे बोल रहे थे। तो इनके रविशंकर प्रसाद, इनकी हाउ कौन स्मृति ईरानी है, और उसके बाद तमाम जो इनके कैबिनेट के मंत्री आकर के टीवी चैनलों पर विधवा आलाप करने लग। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि थोड़े दिन रह गया है, राजद्रोह लगा लो या कोई द्रोह लगा लो, लेकिन इसके बाद जब आप पे ये वही कहानी गुजरेगी तो आप विधवा आलाप करते हुए फिरोगे, गुफा भी आपकी हिमालय की छोटी पड़ जाएगी। अरे ड्रामेबाजी बंद करो, देश के लिए कुछ अच्छा काम करो, कम से कम देश के युवाओं के लिए काम करो, देश के किसानों के लिए काम करो। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हिंदू मुसलमान सिख, उसी में उलझे हो, करना धरना कुछ नहीं, नाचने आवे आंगन टेढ़ा, आपसे कुछ होने जाने वाला है नहीं। 6 साल में एक भी काम बता दे भाजपा सरकार अगर किया हो, कहीं स्कूल बनवाया हो, कहीं हॉस्पिटल बनवाया हो, कहीं सड़क का निर्माण कराया हो, कहीं रेल लाइन बनवा दिया हो, कहीं कोई निर्माण कार्य बता दें अपना। ये जनहित का कार्य नहीं है, जनहित का काम है कि बेरोजगारों को रोजगार देना, किसानों की समस्या का समाधान करना। और सरकार दे तो रही है 5 साल के लिए संविधान, तो संविधान से तब नेताओं को भी, तमाम नेताओं को, इनकी सरकार के विधायक और मंत्रियों को भी संविधान पे आना चाहिए। वो 5 साल नहीं, 6 महीने के लिए बोकार उतर जाएगा, कल तो चले जाएंगे गोरखनाथ मंदिर में इल्लपों करते रहेंगे। बताइए संजय सिंह जी ने अगर सही बात उठाया, सही मुद्दा उठाया, तो उनके ऊपर राजद्रोह बनता है, एमपी राज्यसभा है, करो अंदर, कितने लोग करोगे? अरे पूरा देश जेल जाने को तैयार है, कितने लोग अंदर करोगे? ऐसे बेविचारी नेताओं को बिहार में हो रहा देख लें। उत्तर प्रदेश में देखा गया कि कल परसों की घटना है, नोएडा के अंदर में ही जब सफाई कर्मचारी अपनी मांग को लेने के लिए बैठे तो पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लात घूंसों से स्वागत किया है, काफ़ी बुरी तरीके से प्रताड़ना का मैटर सामने आया है। यूथ कांग्रेस की बात की जाती है, यूथ कांग्रेस के काफ़ी सारे कार्यकर्ता अगर रोड पर उतरते हैं, अपनी मांगों को मांगते हैं, तो उनको ऊपर डिटेन कर लिया जाता है। मैं कहाँ पर गला रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा किया, काहे थूक के चाटने पर मजबूर हो गए हैं, काहे थूक के चाट रहे हैं ये लोग, देख रहे हैं कि विरोध होना चालू हो गया, बेरोजगार नौजवान के हालत में हाथ डाल देगा, कहाँ है? खुद उत्तर प्रदेश से हैं और खुद गोरखपुर के रहने वाले, कुछ तो डर भय कीजिए। कौन सा डर भय करें, यमराज हैं, ब्रह्मा हैं, क्या है ये? आज हैं कल नहीं रहेंगे, आज मुख्यमंत्री हैं कल नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश में तो काफी बड़े बड़े काम किए हैं, कहीं कुछ नहीं काम किया, सिर्फ इनकाउंटर करवाया है, बलात्कारियों को बचाया है, पुलिस वालों के साथ मिल करके ठगी और बेईमानी किया है, और इसके अलावा कोई काम नहीं किया। सड़क को देखते हुए गड्ढा मुक्त करवाया है काफ़ी जगह पे, ये भी देखा गया कि सफाई के तहत काफ़ी जगह पे इन्वेस्ट भी किया गया, सफाई भी किया गया है, किसानों के लिए भी काफ़ी सारी योजनाएं दी गई हैं, जिनके पास गैस चूल्हे तो उनके घर घर जाकर पहुँचवाया भी गया है, और ये भी देखा जा रहा था कोरोना जैसे महामारी के बीच में घर घर जाकर के सर्वे भी किया गया। कैसी बातें करेगा, ये पूरा जुमला है, झूठ है, फॉरेब है, प्रोपेगंडा है, कहीं कुछ नहीं हुआ। क्या लग रहा है इस बार की भी उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव होगा इस बार? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता।